चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जहां पर आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार जो है वो पालन किया जा रहा है। हवाई अड्डे में हवाई यात्रा के दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए फ्लाइट में मौजूद 3 सीटों के बीच वाली सीट में बैठने वाले यात्री को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी पीपीई किट दिया जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पारस बैसवारे ने एयर इंडिया के स्टेशन मैनेजर प्रीति सावंत से फोन लाइन पर की कुछ खास बातचीत। जी, ये बताइए, जो विमान यात्रा के बीच की जो सीट है उसमें जो यात्री है उसे पीपी किट दी जा रही है, क्या कहना चाहोगे? और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए क्या क्या एहतियात बरते जा रहे हैं विमान यात्राओं के दौरान? ये ऐसा है कि इसको पीपीई किट तो नहीं कहे, हाँ प्रोटेक्टिव किट जरूर है, जो बीच वाली सीट में जो हम बैठाते हैं। पहले तो हम लोग नहीं बैठाते हैं, इट इज वेरी वेरी रेयर, हम लोग फ्लाइट पूरी तरह नहीं भर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे हो जाता है कि 10-12 सीट देनी पड़ती है हमको, तो हमारे पास रैप राउंड गाउंस बोल के हैं जो गाइडलाइंस के हिसाब से है हमारी, एंड वो हम लोग देते हैं हर पैसेंजर को बोर्डिंग के समय, बोर्डिंग के पहले जस्ट बिफोर वो एंटर करते हैं एयरक्राफ्ट में वो पहन लेते हैं, एंड उसी के साथ हम लोग एक वाइजर एंड दो मास्क एंड 3-4 क्या कहते हैं सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर, इसका भी हम लोग एक पैकेट देते हैं, एंड ये पैकेट हम हर एक पैसेंजर्स को देते हैं। ठीक है, ये सब सोशल डिस्टेंसिंग के मध्य रखते हुए हम लोग में ये सब सुविधाएं भी हैं। जी, कौन सी स्थिति में देते हैं मैडम आप पीपी जो किट है, और जैसे कि हम सीट नंबर के आधार पर जो तय करते हैं वो कितनी जो सीटें हैं वो अवेलेबल की जा रही है अभी फिलहाल? अभी फिलहाल ऐसा है कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट में 150 की कैपेसिटी का मेरा एयरक्राफ्ट है, अब 150 में ऐसा है कि विंडो सीट एंड आइल सीट तीन तीन के रो होते हैं, अगर आपको मालूम होगा एयरक्राफ्ट में। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन अप्रूव एवरी एयरक्राफ्ट, बट हमारे जो नागपुर में एयरक्राफ्ट आते हैं वो ऐसे आते हैं कि तीन तीन के रो वाले हैं। अब तीन तीन के रो में ऐसा है कि जो विंडो सीट है एंड आइल सीट, बीच वाली सीट को हम बिल्कुल नहीं दे रहे, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना? तो वो हिसाब से हम लोग ऐसे ही एयरक्राफ्ट भर रहे हैं कि समझो अब वो 150 में अगर वो 20 का रो है, समझो 20 रो है हमारे पास, तो ये दो के हिसाब से कितने हो गए, दो दो के हिसाब से अगर आप गिनोगे तो एक रो में एक साइड में 40 आ गए, दूसरे साइड में 40, सो 80। हाँ, अब समझो ऐसा हो गया है कि 10-15-20 हम ज्यादा चॉइस नहीं है और भर चुके हैं, तो फिर सेंटर अगर देना पड़ रहा है तो हम लोग ये आपको जैसे अभी बताया मैंने टोटल प्रोटेक्टिव किट दे रहे हैं, रैप अराउंड गाउन एंड विद ऑल द पीपीई किट।